धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान सरकार ने बीती रात को आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें 70 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस सूची में धौलपुर जिला कलेक्टर नेहा गिरी का भी तबादला किया गया है। उन्हें संयुक्त शासन सचिव टीएडी जयपुर लगाया गया है। तबादले के साथ ही नयागिरी के लिए दिल्ली से खुशी भरी खबर आई है। चुनाव कार्य में उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर उनका चयन राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनाव कार्य अवार्ड 2019 के लिए चयन किया गया है, जो उन्हें आने वाले समय में दिल्ली में दिया जाएगा। नयागिरी के स्थान पर राकेश कुमार जायसवाल को धौलपुर का नया कलेक्टर लगाया गया है। ये फिलहाल राजस्व मंडल अजमेर के सदस्य है। राकेश कुमार जायसवाल आरएएस से प्रमोशन पाने के बाद आईएएस अधिकारी बने हैं। ये पूर्व में धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। वहीं आईएएस अधिकारी नेहा गिरी ने 26 दिसंबर 2018 को धौलपुर जिले की तीसरी महिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इनका करीब 9 माह का कार्यकाल कई उपलब्धियों से भरा हुआ है। नेहा गिरी का कार्यकाल धौलपुर जिले की जनता लंबे समय तक सफल कलेक्टर के रूप में याद करेगी। इनका स्वभाव बेहद शील, हसमुख व नम्रता से भरा है, जिसने पीड़ा लेकर कलेक्टर आने वाले प्रवादियों के मन मस्तिष्क पर भी गहरी छाप छोड़ी। इनकी कार्यशैली की खासियत ये है कि ये कलेक्टर आने वाले ज्यादातर प्रवादियों से मिलती थी और साथ ही साथ संबंधित अधिकारी को फोन कर समस्या का समाधान करती थी। जो समस्या तुरंत समाधान नहीं हो पाती थी, उसके लिए सख्त निर्देश देती थी। इनकी याददाश्त भी कमाल की है। यदि कोई प्रवादी दोबारा आ जाता तो उसकी शक्ल देखकर ही मामला याद आ जाता था और मामले को गंभीरता से लेकर उसका निस्तारण कराती थी। फोन व सोशल मीडिया पर भी ये आमजन से सीधा जुड़ाव रखती थी। ये ज्यादातर लोगों के कॉल रिसीव करती थी और समस्या का समाधान करती थी। कलेक्टर नेहा गिरी पूरे प्रदेश व देश में चर्चा में उस समय आई जब इन्होंने जिले के बसेड़ी इलाके में मनरेगा कार्य के निरीक्षण के दौरान हरिजन महिला के हाथ से पानी पिया और जातिवाद जैसी छोटी मानसिकता को वर्तमान युग में गलत बताया। इन्होंने जातिवाद के भेदभाव की पुरानी परंपरा को मात दी। नेहा गिरी को धौलपुर जिला कलेक्टर के रूप में सबसे बड़ी उपलब्धि, विगत दिनों भारी बाढ़ में भी जिले में कोई दुर्घटना नहीं होना है। जैसे ही कोटा से पानी छोड़ने के संकेत मिले तो उन्होंने तुरंत अवकाश के दिन अधिकारियों की बैठक बुलाई और शाम को खुद एसपी मृदुल खचावा के साथ सर मथुरा इलाके के ग्रामीण इलाकों में निकल गई। वह व्यवस्थाएं देखी। बाढ़ के प्रकोप के दिनों में कलेक्टर गिरी खुद देर रात तक बाढ़ ग्रसित इलाकों में दौरा करती रही और पूरे हालातों का लगातार अपडेट लेती रही तथा अधिकारियों को निर्देश देती रही। धौलपुर में आई बाढ़ के समय कलेक्टर नेहा गिरी द्वारा किया गया कुशल प्रबंधन पुरुषवादी समाज की उस सोच को दर्पण दिखाता है, जो महिलाओं के हाथों को केवल चूड़ी व मेहंदी वाले हाथ समझते हैं। कुल मिलाकर नेहा गिरी का कार्यकाल धौलपुर में लंबे समय तक सफल कलेक्टर के रूप में याद किया जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो कई चीजों में जिले ने राज्य व देश स्तर पर प्रगति की है। आकांक्षी जिलों की श्रेणी में जिला देश में 4वें नंबर पर आ गया, जिस पर विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट भी मिला। वहीं खसरा रूबेला टीकाकरण के मामले में प्रदेश में पहले नंबर पर, डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर कायाकल्प के मामले में प्रदेश में पहले नंबर पर, विशाल रैंकिंग में प्रदेश में तीसरे स्थान पर, जच्चा बच्चा देखभाल मामले में जिला प्रदेश में पहले पायदान पर आ गया। अन्य क्षेत्रों में भी जिले ने कई मायनों में प्रगति की है। गुरुओं को ज्ञान देने वाले धौलपुर जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में धौलपुर की नाक कटाई है। ये बाहर से आए अतिथि खिलाड़ियों को सोने और ठहरने तक के उचित प्रबंध नहीं कर पाए। ऐसे में निश्चित बाहर के खिलाड़ी अपने यहाँ जाकर व्यवस्थाओं को कोसेंगे। पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब शनिवार रात 10 बजे खिलाड़ियों का सामान चोरी हो जाने की सूचना पर हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में पहुंचे, जहां कमरों में बाहर से आए खिलाड़ियों के रात में सोने के लिए पढ़ने वाली ब्रेंचें मिली, जिन पर बच्चे व बड़े कोई नहीं सो सकता। व्यवस्थाओं को देखकर फास्टैग चैनल का प्रतिनिधि भी हैरान रह गया। इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कर मौके पर बुलाया गया, जहां से अधिकारियों से पूछा गया कि क्या इन टेबलों पर आप सो सकते हैं, क्या इन टेबलों पर आपके बच्चे सो सकते हैं। इस पर अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बाद में पूरे घटनाक्रम की सूचना जिला कलेक्टर नेहा गिरी को दी गई। तब कहीं जाकर कलेक्टर के हस्तक्षेप पर बच्चों के लिए रात को ही फर्श मंगाए गए और टेबलों को मिलाकर खिलाड़ियों के सोने का इंतजाम किया गया। साथ ही अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया कि अगले दिन सोने के प्रबंध और भी अच्छे कर दिए जाएंगे। मामला यूं है कि इन दिनों धौलपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें धौलपुर सहित पूर्वी प्रदेश के 33 जिलों के 816 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
इन खिलाड़ियों को अलग अलग जगह ठहराया गया है। कुछ खिलाड़ी महाराणा स्कूल धौलपुर में ठहरे हुए हैं। शनिवार को दोपहर में जब खिलाड़ी खेलने गए तब पीछे से अज्ञात चोर उनके कमरे की खिड़की जाली काटकर व किसी लोहे के तार आल से उनके बैगों को खींचकर उनमें से पर्स मोबाइल आदि चोरी कर ले गए। चोरी की यह घटना आधा दर्जन से अधिक अतिथि खिलाड़ियों के साथ हुई। घटना की सूचना मिलने पर नियालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जब इस मामले की रात 10 बजे फर्स्ट ट्रैक को सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचा, जहां अतिथि खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्थाएं शर्मनाक मिली। उनके सोने के लिए क्लास रूम में पढ़ने वाली सकरी सी ब्रेंचें दे रखी थी जिन पर कोई भी सो नहीं सकता। खिलाड़ियों ने बताया कि कल भी इन्हीं पर सोना पड़ा, जिस पर रात को सोते समय गिर पड़े। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन ने खुद स्वीकार किया कि जिन कमरों में खिलाड़ी को ठहराया गया है वहां सांप निकल आते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ खंडहर पड़ा हुआ है। शर्मनाक इन व्यवस्थाओं को लेकर फर्स्ट ट्रैक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया तथा जिला कलेक्टर नेहागिरी को पूरे मामले की सूचना दी। तब कहीं जाकर व्यवस्थाएँ काम चलाने लायक की गईं, साथ ही अगले दिन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग और आयोजकों ने पूरे प्रदेश में धौलपुर की नाक कटाने वाली व्यवस्थाएं की, जो गुरुओं को ज्ञान देने वाले अधिकारियों के लिए बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। अब देखना यह है कि धौलपुर की नाक कटाने वाली इस घोर लापरवाही करने वालों के खिलाफ अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। इन पे सर आप सो सकते हो, ये 2 फुट चौड़ी टेबल नहीं है। सभी संस्था प्रधानों को हमने पाबंद कर रखा है की फर्श पालथी और मग्गे उसकी व्यवस्था कराने के लिए सभी पाबंद कर। नहीं वो सर बात मान, मुझे तो ये बताओ इन पे कोई सो सकता है क्या इन टेबलों पे? नहीं इस पर तो नहीं सो सकता। फिर आप बुलाओ संस्था प्रधान को, क्या इन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था? बाहर से आए, पूरे राजस्थान से आए, धौलपुर की नाक कटेगी क्यों? सोने के लिए बच्चों को व्यवस्था नहीं मिली सर? नहीं तो बताइए अभी कर रहे हैं व्यवस्था। नहीं सर अब रात को 10 बज रहे हैं, ये बच्चे कब सोएंगे? अगर हम नहीं आते तो ये बच्चे आज इन टेबलों पर सोते या जमीन पर सोते? कल इन्हीं पर सोयो, कल के आए हुए हैं सर आपके सामने ये बच्चे कह रहे हैं। घर पे आपके बच्चे ऐसी टेबलों पर सोते हैं? ऐसा है यहाँ पर कि गत वर्ष सांपों की स्थिति आई थी और भी टीम रुकती है, साथ दो दो टेबल तीन तीन टेबल ज्वाइंट करके सोते हैं इस पे। नहीं नहीं क्योंकि थोड़ा ऊंचाई का मामला पड़ता है, यहाँ सांप रहते हैं इसलिए। तो मैं इनसे कह गया था और हमारे जो पीओन थे उनसे भी मैंने कहा था कि हम मैटी दे देंगे, और कल शाम की मीटिंग में भी जो हमारे संयोजक हैं इसके उनकी 2 फर्श के लिए नोट भी कराया था, उन्होंने कहा मैं उपलब्ध करा दूंगा। और मैं 7 बजे परसों कल गया था और आज सुबह भी शाम को भी आया था 4 बजे के लगभग, रतन सिंह जी भी थे, उस समय मैं कह गया था कि मीटिंग की पूरी व्यवस्था होगी और पीओन से भी कह गया था। प्रिंसिपल साहब ने 1 सेकंड रतन सिंह जी आप बात बोलना, 1 मिनट रुको, हाँ बताएं सर। हाँ मैंने 5 बजे आकर के खुद ही जो मॉनिटरिंग की थी और उनसे कह के गया था, उन्होंने प्रभारी ने कहा कि जैसी टीम आ जाएगी वही लोग लग रहे हैं और मैं उनको यहाँ से पीओन से लेकर उपलब्ध करा दूंगा। सर कल भी बच्चे नहीं पे सोए, अब हम मौके पर आ रहे हैं तब हम इस मुद्दे बात करें, तब ये बात हो रही, रात को 10 बजे अब तक वो क्यों नहीं आई? खुद ही आकर कह के गया था और मुझे मेरे संज्ञान में जैसे ही आया मैं तुरंत चले के आया। नहीं तो प्रभारी कहाँ है आप? प्रभारी के खिलाफ तोमर साहब है प्रभारी। नहीं तो आप मुझे बताओ इन पे कोई सो सकता है कि इन टेबलों पे? सर ये तीन तीन लाकर के सोते थे और ऊंचाई के चक्कर में हमने ये सोचा जमीन पे नहीं सोए, सर्प निकल जाते हैं। नहीं तो नहीं, प्रावधान क्या है इनके सुलाने के? इनके सुलाने का प्रावधान तो ये है कि यहाँ पर फर्श होना चाहिए और हमारे पास में क्या है कि यहाँ फर्नीचर ज्यादा मात्रा में है और अभी उन्होंने मैटी ली थी, हाँ उसके हिसाब से ली थी। हाँ डीओ साहब से भी इस बात का निवेदन किया था कि यहाँ सांप निकलते हैं, गत वर्ष 4-5 सांप मारे थे, इसलिए हमने कहा कि टेबलों के ऊपर ही सोएं तो ज्यादा बढ़िया है। 3-3 टेबल मिला रहे हैं, 4-4 मिला रहे हैं, हमारे पास फर्नीचर पर्याप्त है कमरों में। तो कमरों में तो उपलब्ध नहीं कराया गया इतना? हर कमरे में रखा हुआ है, इन्होंने वो सेट नहीं किया है, हमने हर कमरे में इतना फर्नीचर है। सर सर एक कमरे में कितने बच्चे रुकेंगे? एक कमरे में 3 कमरे हमारे खुले हैं। एक फुट चौड़ा ये सर सर 16 बच्चों की टीम है, 16 बच्चे टेबल पे सो सकते हैं, आप देख लो अभी टेबल। गोस्वामी जी क्या तरफ की तुम्हें? हाँ मेरा नाम विश्राम मीणा है और मैं बीकानेर टीम का प्रभारी हूँ 19 वर्षीय टीम का, और कल से यहाँ ठहरा हुआ। यहाँ जो टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं, टीम ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए उनसे कल से 10 बार नोट करवा दिए, लेकिन आज तक गरीबी नहीं मिली। मैं सोने के लिए टेबल वगैरह है, रात को मच्छर खाते हैं, यहाँ आसपास ऐसा
जो परिसर है वो ऐसा है कि सांप सलू के जो भी है जानवर बच्चों को परेशान करके क्या करें, तो कोई भी व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। अब जाके इतना हल्ला कर रहे हैं तब जाकर भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो आप सोच रहे बच्चों के लिए कौन है, हम जवाब दे कौन बनेगा। तो अब भी हमने उनको बुलाया यहाँ पर। सर मैं 17 वर्षीय बीकानेर टीम से टीम के साथ आया हूँ। कल से सर हमने यहाँ पे जब मीटिंग हुई थी सभी टीम प्रभारियों की, उस टाइम भी ये कहा था कि हमारे को दरी जो फर्श है वो अवेलेबल करवाया जाए। तो इन्होंने कहा था कि एडीओ साहब ने कहा था कि ठीक है हम करवा देंगे, आपकी कोई कंप्लेन नहीं है। हम कल रात को भी इन्हीं टेबलों पे नीचे सोए हैं और अभी 10:30 बज रहे हैं और हम नीचे ही सोएंगे शायद। अभी तक हमारे को दरी या इस प्रकार की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं हुई। और हमारे जो पास में 19 वर्ष की टीम है खो खो की, वो भी बीकानेर से ही, उनका कमरा दूसरा है, उसके पास में एक टीम और है, उन कमरों में चोरियां हुई। तब जाके हमने एडीओ साहब स्कूल प्रिंसिपल को फ़ोन किया है, एडीओ साहब है वो प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं, उन्होंने बात की है। अभी तक हमारे को ये सारी अवेलेबल नहीं हुई है, ये एडीओ साहब को हमने कल कहा था। मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं बीकानेर से आया हूँ खेलने के लिए, मेरा पर्स चोरी हुआ उसमें 600 रुपये। मेरा नाम है धर्मेश सुतार, मैं भिलवाड़ा जिले से आया हूँ, यहाँ पे खेलने आया हूँ। मैं सुबह फ़ोन चार्जर लगा के गया था ओप्पो F37 ऐप, शाम को वापस आया तो मेरा फ़ोन ही नहीं। और क्या क्या चोर हुआ आपका? और कुछ नहीं। मैं हूँ अंकित जायसवाल, भिलवाड़ा जिला से आया हूँ यहाँ पे खेलने के लिए। हमारा फ़ोन यहाँ पे खिड़की में चार्जर लगाया गया था, यहाँ से खिड़की किसी ने जाली तोड़ के बैग निकाल फ़ोन निकाल लिया, बैग से सारे कपड़े निकाल लिए, पैसे वगैरह थे 500-550 रुपये जो निकाल के लेके चले गए, कपड़े सारे बिखेर दिए। कितने लड़कों के सामान मतलब पैसे मोबाइल और चोरी हुए हैं? दो या तीन लड़कों हुए थे। दो तीन तो इसमें बीकानेर वाले, बीकानेर वालों के और भिलवाड़ा वालों के। टोटल कुल कितने के हुए होंगे लगभग आइडिया? 15-18 तो होंगे। जिले के बसड़ी इलाके के गाँव सलीमपुर में आज दोपहर करीब 1:30 बजे एक अधेड़ की मौत पोखर में डूबने से हो गई। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई तथा आपसी सहयोग से सबको बाहर निकाला। घटना की सूचना पर नायब तहसीलदार हरिओम गर्ग व पुलिस मौके पर पहुंची तथा सबको कब्जे में लेकर बसेड़ी CSC पहुंचे, जहां सबका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक भवान सिंह उर्फ पप्पू पुत्र जनक सिंह उम्र 49 वर्ष जाति ठाकुर निवासी सलीमपुर अपनी भैंसों को लेकर जा रहा था। इस दौरान उसकी भैंस पोखर में चली गई, जिसके बाद मृतक भी भैंस को निकालने के लिए पोखर में चला गया, लेकिन पोखर में डूबने से उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 22/9/19 को सूचना मिली है गांव सलीमपुर में एक पोखर में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक भगवान सिंह की लाश को गांव वालों ने निकाल लिया और जिसकी लाश को लेकर के CSC बसड़ी आए, जहां पर पंचनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और मृतक के भाई द्वारा मरण दर्ज कराने बाबत तहरीर दर्ज किया, तो काम की जा रही और उसकी जांच की जा रही। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के गांव भोगरा में अपनी दादी के साथ पशु चराने गया एक नाबालिग लड़का जमीन पर टूटे पड़े बिजली के करंट के तार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय शिवापुत पुरुषोत्तम निवासी भोंगरा बसेड़ी रविवार दोपहर करीब 1 बजे अपनी दादी के साथ पशु चराने के लिए खेत पर गया था, जहाँ गाँव के पास बिजली का तार टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था, जिस पर पशु चराते समय शिवा का पैर पड़ गया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे परिजन इलाज के लिए धौलपुर शहर के एक निजी अस्पताल लेकर आए, जहां से गंभीर हालत में उसे रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर शिवा के परिजनों एवं ग्रामीणों में बिजली निगम की व्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में बिजली निगम की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं है, जिस कारण आए दिन कहीं न कहीं बिजली के तार टूटते रहते हैं, जिससे अब तक दर्जनों लोग इनकी चपेट में आने से घायल हो चुके हैं तथा कई की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में बिजली के तार काफी नीचे झूल रहे हैं, जिनकी तरफ जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस स्टेशन रोड धौलपुर, डॉक्टर AKS राठौड़ मुंबई, MD शल्य तंत्र, मोबाइल नंबर 7000025053, 9165741677।
जिले के मनिया कस्बे के मांगड़ा रोड फाटक पर एक वृद्ध महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि कुमार देवी पत्नी मंगल सिंह कुशवाहा निवासी जमालपुर मनिया से अपने मायके जलालपुर जा रही थी, तभी आज रविवार सुबह 9:30 बजे मनिया कस्बे में मांगड़ा रेलवे फाटक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सैंपऊ उपखंड क्षेत्र के निकटवर्ती गांव सिकरौदा में डेंगू की बीमारी का कहर बरस रहा है। यहां हर घर में बुखार से पीड़ित रोगी चारपाई पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। बुखार से पीड़ित रहते हुए इस गांव के अनेकों रोगी सैंपऊ के अलावा धौलपुर में उपचार करा रहे हैं। वहीं गांव में भी करीब 50 लोग बुखार से पीड़ित हैं। गांव में फैल रहे इस बुखार की बीमारी को लेकर लोग काफी परेशान हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कई बार चिकित्सा विभाग को शिकायत की है। लोगों ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से शीघ्र ही गांव में चिकित्सकों की टीम भिजवाने की मांग की है। गांव सिकरौदा में बीमारी से ग्रसित लोगों को बहुत परेशानी होती जा रही है और इस बीमारी की वजह से लोगों में वायरल फैलता जा रहा है और जो लोग है वो सरकारी सुविधा न मिलते हुए निजी अस्पतालों में जा रहे हैं और इससे पैसे की बहुत बर्बादी हो रही है और जल्द से यानी सरकारी कर्मचारियों को सूचित किया जाए जिससे इस वायरल को फैलते हुए वायरल को तुरंत रोका जाए। स्वास्थ्य टीम आई है क्या? अभी तक ऐसी कोई स्वास्थ्य टीम नहीं आई है। आपने कहीं सूचना की है? सूचना की है हुए एक दिन हो चुका है, रात में की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वैसे तो सरकार मरीजों को बेहतर, सुलभ और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है, फ्री दवाई और जांच जैसी सुविधा दे रही है, लेकिन धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके के गांव नांदोली का अस्पताल ही बीमार पड़ा है। यहां ना तो कोई डॉक्टर बैठता है और ना ही नर्सिंग स्टाफ, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। इस कारण इस हॉस्पिटल में आवारा पशु विचरण करते रहते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग खस्ताहाल डली हुई है, इसके कारण गाँव और आसपास के लोगों को अस्पताल का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि पालेंद्र सिंह व ग्रामीण भोला सिकरवान ने बताया कि बरसों से इस अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर आया है और ना ही नर्सिंग स्टाफ। यदि अस्पताल की बिल्डिंग को विभाग द्वारा सही कराया जाए तथा यहां चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाए तो लोगों को अस्पताल का लाभ मिल सकता है। इन्होंने सरकार से अस्पताल की बिल्डिंग को ठीक कराने और चिकित्सा स्टाफ लगाने की मांग की है। नादौली पंचायत का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। दीवार भी गिरी हुई है, ना कभी सफाई हुई है, ना कभी यहाँ कोई नर्स आती है, ना कोई डॉक्टर आता है। मैं एक जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं एक मीडिया को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इसकी हालत पर थोड़ा स्वास्थ्य अधिकारी थोड़ा ध्यान दें तथा गाँव के लिए जो लोग गाँव के लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, वो परेशान होते हैं। यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर दवाई के लिए जाना पड़ता है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस पर ध्यान दें। बसैनवा कस्बा में विद्या भारती द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर का शनिवार को जिला समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा नियमानुसार विद्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण के लिए टीम गठित की गई और बसैनवा कस्बे में पहुंची टीम के द्वारा विद्या भारती के विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां विद्यालय में अध्ययनरत आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों की लिस्ट का ब्यौरा लिया गया, जहां सभी कागजातों का ठीक से संधारण हो रहा था, जिस पर अधिकारियों ने संतुष्टि जताई। निरीक्षण में विद्या भारती के जिला सचिव अशोक कुमार शर्मा के साथ बाड़ी, सरमुथरा, बरौली के प्रधानाचार्य और राजाखेड़ा, सरमुथरा स्कूलों के कार्यालय प्रमुख शामिल रहे। विद्या भारती के जिला सचिव अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बच्चों का शैक्षणिक स्तर सही पाया गया, साथ ही साफ सफाई भी ठीक थी। इस मौके पर राम अवतार शर्मा, विष्णु प्रसाद सेन, राजेंद्र प्रसाद त्यागी, दुर्गेश, राजकुमारी, सुनीता, साधना, दीपक, हरिशंकर आदि मौजूद रहे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान धौलपुर जिले के 14 विद्यालयों में से आज अपने बसैनवाब कस्बे में उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर का निरीक्षण किया गया। उसके लिए जिले के 14 विद्यालयों के यहाँ से सभी प्रधानाचार्य आचार्य बंधु उपस्थित रहे। उसमें से वंदना में संस्कार पक्ष, भैया बहनों का एवं शैक्षिक उनकी बोलचाल, उनका शैक्षिक स्तर, लेखन कार्य इत्यादि का निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां विद्या मंदिर की प्राप्त हुई उन सभी को भैया बहनों को अवगत कराया और भैया बहनों को लिखित और मौखिक रूप से शैक्षिक सुधार हेतु सभी निरीक्षण दल के द्वारा प्रयास किया गया, जिसके द्वारा भैया बहनों का आगामी भविष्य स्तर सुधर सके और उन्हें जीवन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
मछली महाप कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में यह निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें सभी कक्षाओं में छात्रों के साथ साथ में छात्रों का अवलोकन है, कैसे किस प्रकार से लेखन कार्य है, उनका कार्यशैली क्या है, आचार्यों की टीचरों की जो पढ़ाने की शैली है वो किस प्रकार है, उनमें सुधार गुणवत्ता कैसे आए, इसी विद्या भारती शिक्षण संस्थान के जिला समिति द्वारा ये निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसमें जो टोली आई है उस टोली के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इनके हर चीज में हर खेल और खेल के साथ साथ में संस्कार हैं, चरित्र है, शिक्षा है, इस चीज़ में कैसी सहभागिता बढ़ सकती है, इसलिए इनकी निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। तो निरीक्षण को कमियाँ मिली क्या? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से संत श्री श्री 1008 कश्यप सनातन संस्थान धौलपुर द्वारा अशोक विजय कॉम्प्लेक्स हरदेव नगर धौलपुर में अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर दो दिवसीय सेमिनार का आज समापन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि फास्टैग धौलपुर चैनल के चीफ एडिटर संदीप शर्मा, विशिष्ट अतिथि राजकीय विद्यालय बरेठा के अध्यापक प्रेम त्यागी, वन स्टॉप सेंटर की नीतू, समाज सेवी सती शर्मा व माया देवी रही। समारोह में मुख्य अतिथि संदीप शर्मा ने कहा कि स्वावलंबी बनो, जीवन अपना है, अपने तरीके से जियो, ब्रांड के पीछे मत भागो, वह काम करो जिसमें आपको सुकून मिले। ब्रांड लोगों का नौकरी के नाम पर शोषण करते हैं, इसलिए वह काम करो जिसमें आपके मन को सुकून मिले। वहीं अन्य अतिथियों ने महिलाओं को सशक्तिकरण की जानकारी दी। संस्था के अध्यक्ष बबूतीलाल शर्मा एवं संस्था के सचिव लालाराम शर्मा ने शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, साथ ही महिलाओं का आभार जताया। समारोह का संचालन शिवशंकर ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक राजेश शर्मा द्वारा किया गया। सभा के दौरान महिलाओं ने भी महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए व संस्था के कार्यक्रम एवं पहल की प्रशंसा की। महाराजा अग्रसेन जी के 5143वें जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ अग्रवाल धर्मशाला में स्थित भगवान अग्रसेन व कुलदेवी लक्ष्मी जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जिसमें रविवार को प्रतिभा खोज दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके अंतर्गत अग्र प्रतिभा खोज मंच की ओर से सामान्य ज्ञान, रंगोली, निम्बू चम्मच व म्यूजिकल चेयर कुर्सी दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में जूनियर व सीनियर वर्ग के लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। निम्बू चम्मच जूनियर वर्ग में 80 व कुर्सी दौड़ सीनियर वर्ग में 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता में 20 छात्राओं ने रंगोली बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत जैसे संदेश दिए। प्रतियोगिता संयोजक कुमारी अंजू गोयल ने बताया कि प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाले सभी छात्र छात्राओं को 29 सितंबर को अग्रसेन जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर जयंती संयोजक अशोक गर्ग दिनकटा, अग्रवाल सेवा समिति अध्यक्ष सियाराम गर्ग, महामंत्री राधेश्याम बंसल, युवा अध्यक्ष रवि गोयल दोपुरा वाले, युवा महामंत्री हेमंत बंसल, प्रतियोगिता प्रभारी कृष्ण मुवारी मंगल, प्रतियोगिता संयोजक कुमारी अंजू गोयल, सह संयोजक विपुल गर्ग, महावीर गर्ग, दिनेश चंद गोयल, के मित्तल, सोहनलाल मित्तल सहित कई अग्रबंधु उपस्थित रहे। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान JLN मार्ग जयपुर में प्रांतीय सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने प्रदेश संगठन सचिव के तौर पर धौलपुर निवासी डॉक्टर रणजीत मीणा को शपथ ग्रहण करवाया। उनके साथ प्रदेश की कार्यकारिणी ने भी शपथ ग्रहण की। रणजीत ने बताया कि आगामी समय में संगठन राजस्थान सरकार पर इस वर्ग के हित में कार्य करने के लिए दबाव बनाएगा। कार्यक्रम में विधायक रामनारायण मीणा, चंद्रकांता मेघवाल, रूपाराम धनदेव, पूर्व IAS JP विमल सहित राज्य भर से कर्मचारी अधिकारियों ने भाग लिया। सैंपू के निकटवर्ती सोहा गांव में 70 वर्षीय वृद्ध गया प्रसाद शर्मा का योग क्रिया के प्रति काफी लगाव देखने को मिल रहा है। वह लगातार कई वर्षों से गांव में कई विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रतिदिन योग क्रियाएं कराते हैं। योग के प्राणायाम और व्यायाम को लेकर उनमें काफी दिलचस्पी है। वह पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी भी हैं। उनका कहना है कि हमेशा स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ही जरूरी है। नित्य योग क्रिया करने से कई बीमारियों का सफलतम निदान संभव है। ऐसे में लोगों को प्रतिदिन अल सुबह योग क्रियाओं का सहारा लेना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ और दुरुस्त रहता है। शुरू से करीबन ये 7 साल से लगातार
चल रहा है। पथरी योग समिति के माध्यम से मैं ज्ञापता शर्मा, जिला प्रभारी पथरी योग समिति धौलपुर, हमारे बच्चे नियमित 5 से लेकर 7 दो घंटे करते हैं। हमारे बच्चों ने जो अभी नेहरू युवा केंद्र की टीम राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई थी उसको भी 25 तारीख से लेकर के और 6 तारीख तक प्रशिक्षण दिया नवोदय विद्यालय धौलपुर में, जो चंडीगढ़ में नेशनल खेलने गई थी। और सभी विद्यालयों में हमारे बच्चे जिले में कराते हैं, आरएससी लाइन में क्षेत्र में कराया, पुरुष लाइन क्षेत्र में कराया, सभी आसन योगिंग जोगिंग व्यायाम प्राणायाम से लेकर के और जो कठिन आसन है जैसे पश्चिमासन है, मयूरासन है, आपका गवासन है, जो बॉडी बैलेंस से कराते हैं वो नियमित करते हैं। और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हम चाहते हैं, योग का उद्देश्य है कि जन जन को योग के प्रति जागरूक करना, जो उद्देश्य हमारा है पत्र जी का कि हमारे सभी जिले में योग का प्रचार हो, लोग योग से जुड़ें, ऐसा जो क्या है संकल्प लेकर के पतली योग क्षमति धौलपुर कार्य कर रही है और करती रहेगी। मेरा नाम रीना कुमारी गुर्जर है, मैं सोहा की रहने वाली हूँ, 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने योग कक्षा 4 से शुरू किया है और अब भी करती हूँ। मैं योग ज्ञापता शर्मा जी कराते हैं और योग से कई फायदे होते हैं, मन पढ़ाई में मन लगता है, शरीर स्वस्थ रहता है। हनुमानगढ़ राजस्थान में राष्ट्रीय ह्यूमन सोशल फाउंडेशन द्वारा जाट भवन पुलिस स्टेशन रोड हनुमानगढ़ जंक्शन में राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल NBTC के डायरेक्टर साई प्रसाद द्वारा बाड़ी धौलपुर निवासी रोहित मंगल को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राम प्रताप सिंह रहे। इस कार्यक्रम में देश भर में संचालित हो रहे रक्तदान ग्रुप जो कि संपूर्ण देश में रक्त उपलब्ध करा रहे हैं के सक्रिय सदस्यों को सम्मानित किया गया और रक्तदान के क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 75 संस्थाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें से एक नाम धौलपुर जिला में रक्तदान के लिए कार्य कर रही संस्था आओ रक्तदान करें ग्रुप धौलपुर ही शामिल है। उठावनी, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ सोनी PN सोनी सेवानिवृत्त रेलवे धौलपुर का स्वर्गवास दिनांक 21/9/2019 शनिवार को हो गया है। उनकी उठावनी दिनांक 23/9/2019 सोमवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक अशोक विजय कॉम्प्लेक्स हरदेव नगर धौलपुर पर होगी। प्रेमलता सोनी पत्नी PK सोनी लोको पायलट रेलवे धौलपुर, मंजू सोनी पुत्र पुत्रवधु, शालिनी सोनी पौत्री, भास्कर सोनी पौत्र एवं समस्त परिवार निवास 31/163 हरदेव नगर गायत्री मार्केट धौलपुर, मोबाइल नंबर 9414584636।